चैनल कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे हों। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी और मेरे साथ है दीक्षा दी। एंड अभी आज यहाँ क्या है, आज यहाँ डोली आएगी तो शाम को शायद भजन वगैरह भी होंगे, गायक वगैरह आएंगे यहाँ। और अभी तो मैं शायद मनीषा दी के घर पे जाऊँ थोड़ी देर। मैंने बताया मेरी तीनों बहन यहीं हैं तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा मेरे को। तो फ्रेंड्स अपने जा रही हैं मनीषा जी के घर। तो फ्रेंड्स ये मनीषा दी लोगों के घर पे भी मैं पहुंच गई हूँ। तीनों बहनों का वो कर दिया मैंने, मतलब सबके घर में एक एक दिन रुक गई। मैं अपनी वो पूरी कर रही हूँ रिश्तेदारी, मतलब कहीं छूटना नहीं चाहिए। जा रहे हैं मंदिर में। ये मेरे साथ ओ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। किसी ऐसा ना समझे कि प्रोग्राम कोई व्यक्ति विशेष है, आप सबका है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है और विशेष भगवान से मांगा है। यहाँ से ऊपर चल लो। तो फ्रेंड्स ये सेम का मेला जो लगा हुआ है और मंदिर तो बहुत ऊपर है, मंदिर तो हम पैदल जाएंगे। हमारे बीच में प्रयागराज से आए महाराज जी यहाँ पर आए हैं। हमारे माननीय विधायक ये गेट जाता है अंदर के लिए, जो मंदिर के लिए जाता है, और इस गेट के अंदर से सीधा पैदल का रास्ता है ऊपर तक। देखते हैं कितनी लेट में पहुँचते हैं।
फ्रेंड्स अभी मेला लगा है, कल भी यहाँ मेला लगेगा और कल सब लोग आएंगे मेले में, तो कल आएंगे हम सारी बहनें, तो यहाँ ससुराल है। गंगा दीदी नहीं है ना, बस चार है, चार चार तो यही हो गए, हम एक बहन देहरादून में। बड़ा मस्त लग रहा है, फ्रेंड्स सब पहुंच गए हम मेले में, अब हमें मिल गई है, हमें मिल गई है ये तो मेरे साथी थी, ये मिली है हमें ये। तो अब आ गई हूँ मैं रवीना दी के घर पे, और यहाँ से अब होके मैं ख्याड़दा चली जाऊँगी दीक्षा दी लोगों के साथ। तो मैं दीक्षा दी के हस्बैंड और रवीना दी जा रहे हैं ख्याड़दा।